वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दबाई जी, ठीक है? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और तुम कहाँ थे पिछले दफा? मैं जवा था बाहर घूमने, वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे थे, कोशिश की थी तो हम पहाड़ों पे चढ़े हुए थे। वो हॉलीडे थी ना, वाइफ की भी स्कूल की छुट्टियां थी, वो एक हफ्ते के लिए चले गए थी, हफ्ते तीन चार दिन के लिए चले गए थे। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई, ये कैसे भाई ने अल्लाह से कुर्बत का नया तरीका निकाला था, पहाड़ पे चढ़ जाओ अल्लाह से करीब हो जाओगे फिर चीजों को समझो। हैदर भाई, आज से हमारे लेक्चर में एक और ब्रदर अभी ऐड होंगे 10 मिनट बाद। अच्छा, जी अरहम जी जी मीर भाई भी आ रहे हैं। एक दो कुछ सवाल जो पिछले लेक्चर के हवाले से हो तो हम पहले वो कर लें या? जरूर कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज आपसे कंफर्मेशन, आपने पिछले लेक्चर में बोला एक चीज, आपने बोली थी कि रूह जो है वो कुर्बत, यानी कि रूह एक कनेक्शन है खुदा का और आपके दरमियान जो आपको करेक्ट था। तो इसमें नफ्स का जो आपने बताया था कि इसमें तो नफ्स क्या रूह के साथ कनेक्ट होगी, रूह उसके साथ कनेक्ट होगी? दो मुख्तलिफ चीजें ना रूह और नफ्स, जो आपके जो आपने हमें शुरू में बताया था। जी अच्छा, नफ्स यानी कि जो हम खुद हैं जी, रूह एक राबता है इंसान का आलम मलकूत से या ऊपर वाले अवालिम से। अच्छा। या बस को मैंने और जनरलाइज करके बताया था कि रूह जो है वो एनर्जी है जो जिस्म को जिंदा रखती है, और कुरान करीम ने जिस रूह अमरी का जिक्र किया है जिसका ताल्लुक आलम अमर से, वो बेसिकली एक कनेक्शन है। अगर इंसान सही हो तो उसको हासिल होता है वो कनेक्शन ईमान के जरिए से, और यही वसीला बनता है उसके ऊपर उठने का और बुलंद होने का। अच्छा हैदर भाई, जो जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो क्या चीज उससे अलग कर दी जाती है, मतलब रूह अलग कर दी जाती है कि उसका नफ्स जिस्म से निकाल लिया जाता है? नफ्स अलग हो जाएगा ना, और वो बहुत सारे रूह, मतलब अगर रूह से मुराद हम रूह हैवानी लें तो वो भी एक है कि वो एनर्जी खत्म हो जाती है। यानी मिसाल के तौर पर जिस्म में वो काम होने बंद हो जाते हैं कि जिससे वो एनर्जी क्रिएट हो रही होती है, और रूह अमरी बहुत सारे लोगों के पास होती ही नहीं है, यानी कि उनसे जाएगी क्या? जो चीज होती है इंतकाल के वक्त वो ये कि नफ्स जिस्म को छोड़ देता है, जिसमें मादी को, नफ जिसमें मादी को छोड़ देता है जी। और जो हम हैदर भाई, हम जो ये जो इस्तेलाह सुनते हैं रूह कब्ज करना, बेसिकली वो नफ्स है जिसको हम ये बात कहते हैं कि रूह कब्ज कर ली गई इसकी, मतलब कहाँ है ये कुरान में या वैसे कोई जुमला है इस तरीके का रूह के कब्ज होने का? अच्छा, मैंने कभी गौर भी नहीं किया, कभी भी नहीं है। आपको मिले तो मुझे बताइए। तो हैदर भाई, आपने कोई मतलब कुछ इस तरह का कुछ है कि मौत के वक्त का कुछ कि क्या चीज? अल्लाह यतवफ्फल अनफुस हीन मौतहा, अल्लाह मुतवफी करता है नफूस को मौत के लम्हे में। अच्छा, या कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, कि तुमको मुतवफ़ी करता है, यानी तुम्हारी जो हकीकत है नफ्स, तुम्हारी हकीकत है, ये मुतवफ़ी होती है। रूह के कब्ज़ होने का तो कहीं भी जिक्र नहीं है कुरान में। ठीक, बिल्कुल। मैं इस हवाले से मतलब कि एक आयतुल्लाह दस्तगीर की किताब थी क़यामत माद जी, उसके अंदर उन्होंने नफ्स का कोई जिक्र नहीं किया हुआ था, तो मैं इसी कंफर्मेशन से। हाँ, वो जाहिर है कि वो बातें इस तरीके से की जाती हैं, मतलब क्योंकि मैंने भी इन चीजों पे काफी अरसे तक सोचा तो, और बेसिकली इन्हें जो टेक्निकली है ना, ये एक उर्फ आम है, या शायद ऐसी अहादीस कुछ होंगी कि जिसमें
इस किस्म का लफ्ज मिलता है, लेकिन कुरान में कहीं नहीं है। क्योंकि कुरान के हवाले से एक बात हम बिल्कुल यकीन से कह सकते हैं कि इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है किसी भी किस्म का। सही अहादीस में चीजें ऊपर नीचे होती हैं, और इसकी वजह बुनियादी तौर पर रावियान है। जाहिर है कि आयम्मा के हवाले से तो कोई ऐसे मसला ही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम रावियों का है, जो समझा अहादीस की रिवायत करने वालों का है। और बहुत सारे मकामात पर अहादीस में ये लगता है कि लोगों ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक इमाम के कौल को ट्विस्ट किया। सही यानी जैसे मैं भी अगर मिसाल के तौर पर आपसे बात करूंगा एक्सप्लेन किए बगैर, जोर दिए बगैर, और आप भी मेरी बात को आगे किसी को बयान करेंगे, तो आप भी यही बोलेंगे रूह कब्ज हो गई। बिल्कुल अगर आप इस टेक्निकली इस डिफरेंस को खास तौर से नहीं समझ रहे, तो अहादीस के रावियों में भी ये मसाइल हैं कि उन्होंने अपने फहम के मुताबिक इमाम के कौल को नकल किया। उस वक्त रिकॉर्डिंग भी नहीं थी कि उसको रेफर कर लिया जाता, याददाश्त के ही सारे चीजें आगे बढ़ती थी। सही लेकिन कुरान जो है ना, वो हर लिहाज से, यानी यूं कह लेंगे टेक्निकली भी वर्बली भी हर लिहाज से परफेक्ट है। जी तो कुरान के अल्फाज पर हम बगैर किसी चूं चरा के उसको रिलाई कर सकते हैं। कुरान करीम में बिल्कुल वाज़े डिस्टिंक्शन है, और कहीं भी रूह कब्ज होने की बात नहीं है। मुतवफ़ी है, तवफ़ा है, इंतकाल होना, और तवफ़ा का ताल्लुक जिस चीज़ से बयान किया गया है वो नफ्स से इंसान है, ना कि रूह। अच्छा हैदर भाई, एक सवाल ये था कि मतलब हम ये जितने भी मुत्तकी अल्लाह के जितने भी करीब के बंदे होते हैं जी। उनके लिए अक्सर ये बहुत ज्यादा वर्ड यूज होता है, यानी खुदा खुदा हमाम जो है नहजुल बलागा, उसने भी ये चीजें के उनके रंजीदा और महजून हैं और लोग उनके शर से महफूज हैं। तो जी मतलब अल्लाह के नेक बंदों को हर वक्त इत्तला में रखना और हर वक्त मुश्किल से गुजरना, ऐसा क्यों है? मुश्किलात से गुजरना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल देंगे आप जिस मुश्किल को समझ रहे हैं। जैसे अगर इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया, वो मुश्किल दूसरी है, वो मुश्किल एक्सटर्नल नहीं है, वो मुश्किल इंटरनल है, जिहाद अकबर के हवाले से खास तौर से, कि उनका जो हम व गम है या उनका जो रंज है वो जिहाद अकबर की वजह से। और दूसरा ये कि जिस किस्म की ये दुनिया है अभी तक, उस दुनिया में कोई भी नेक और अच्छा इंसान खुश रह नहीं सकता, बल्कि उसका दिल यहाँ से निकलने को ही चाहता है। जब उसे ये बात समझ में आ रही है कि एक मकाम ऐसा है जन्नत और वो सब चीजें जहाँ पर ये नेमतें हैं और अल्लाह की रहमतें हैं, और उसके मुकाबले में ये दुनिया जिसमें अभी हम जिंदा हैं, ये तो बहुत ही खराब जगह है, तो वो कैसे खुश रहेगा यहाँ पे। यहाँ पर वो सिर्फ एक चीज की वजह से सब्र करता है कि ये दुनिया उसे वो मकाम और वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो अपने दायमी सरमाए में इजाफा कर सके, बस इस वजह से वो यहाँ पे रहने के लिए तैयार होता है, वरना उसे कोई कोई मोटिवेशन नहीं है यहाँ रहने के लिए। और हैदराबाद जो मुतमईन कहा जाता है कि अल्लाह के नेक और जो अच्छे बंदे जो मुतमईन है जी दिलों में सुकून है, फिर वो सुकून किस तो यही तो है कि वो सुकून सुकून अपनी जगह पे मौजूद है, इत्मीनान मौजूद है, उनका जो ताल्लुक खुदा से है उसकी वजह से वो मुतमाइन और पुरसुकून हैं। लेकिन ये कि हाँ, अपने नफ्स के हवाले से कि मुझे अभी मेरे अंदर कोताहियां हैं, मेरे अंदर मसाइल हैं, जैसे मैंने कहा कि जहाद अकबर के हवाले से अपनी कमजोरियों को पा रहे हैं, उस वजह से उन्हें रंज है, लेकिन खुदा से ताल्लुक की वजह से वो मुतमईन और पुरसुकून है। दुनिया के लोगों की तरीके से मुजतरब नहीं है कि जो कभी माल के पीछे, कभी औलाद के पीछे, कभी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के पीछे भाग रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, ये सब चीजें उनके पास नहीं है, ये इन मसाइल से वो बालातर है। जिस चीज ने उनको रंजीदा किया हुआ है वो उनके अपने कमालात के हवाले से हैं, और यानी कि खुदा से, खुदा की बंदगी में कोताही, और इस कस्म के मसाइल हैं जो उनको रंजीदा करते हैं, न कि हमारे हमारे जैसी प्रॉब्लम्स। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया। तो मीर साहब आ गए जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे पिछली दफा? ये सूरह हिजर की 26 और 27वीं आयत जहां उसमें शैतान के हवाले से बात किया था, और मैंने फिर सूरह फात की भी आयत का जिक्र किया था शायद। आयत नंबर 70 जी। ठीक है, तो अब इसमें ही थोड़ा सा एक दो चीजें हैं कि अब उसको जरा आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आता हूँ सूरह आराफ और सूरह ताहा, इन दो मकामात पर जो जिक्र किया गया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाकयात का। और पिछली दफा भी मैंने सूरह हिजर की आयतों के हवाले से आपको बताया था कि देखें इंसान और आदम दोनों के जिक्र को इंटरचेंजेबली बयान किया गया है, कि जिससे यानी कि जिन आयतों से हमें ये इशारे और डायरेक्शंस मिल रही होती हैं कि बेसिकली आदम का जो वाकया है वो हकीकतन इंसान की कहानी है और मकाम इंसानियत के हवाले से बात की गई। सूरतुल आराफ में भी गुफ्तगू बज़ाहिर बहुत अजीब सी है, और ये आयत नंबर 10-11 से शुरू होती है बात कि वलकद खलकनाकुम, यानी ये बात हो रही है इंसानों से, वलकद खलकनाकुम और बेशक हमने तुमको खल्क किया, तुम्मा फव्वरनाकुम फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, तुम्मा कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लिआदम और फिर हमने मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो। अब देखिए यहाँ बात क्या हो रही है कि आदम का जिक्र जो है वो इंसानों के खलकनाकुम के हमने तुमको खल्क किया, यानी ए इंसानो हमने तुमको खल्क किया, तुम्मा फव्वरनाकुम फिर हमने, यहाँ तुम्मा जो है इसका मतलब आप समझ सकते हैं एंड देन, यानी कि एक काम हुआ फिर उसके बाद उसी सिलसिले का दूसरा काम हुआ फिर उसी सिलसिले का तीसरा काम हुआ, मतलब वो एक सीक्वेंस में एक चीज जो मरहला वार स्टेज वाइज आगे बढ़ रही होती है वहां पर ये वर्ड आता है तुम्मा, यानी हम कहते हैं एंड देन। तो बेशक हमने तुम्हारी तुम्हें खल किया, तुम्मा फव्वरनाकुम फिर हमने सूरतें बनाई, यानी इसका काम इसका मतलब ये हुआ कि खिलकत के बाद सूरतें बनाई गई शक्लें बनी, सुम्मा कुलना फिर सुम्मा आया कि फिर हमने कहा कि कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लिआदम कि मलाइका से कि आदम को सजदा करो। तो यहां आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जिस मखलूक को आदम कहा जा रहा है वो असल में हकीकत वजूद इंसान है, कि जैसे पहले कहा कि खलकनाकुम कि हमने तुमको खल्क किया, फिर फव्वरनाकुम तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो, यानी अब आदम जो मस्जूद मलक हैं, आदम जो नजर आ रहे हैं ये दर हकीकत उस इंसानियत की एक रिप्रेजेंटेशन है कि खुदा ने इंसान और इंसानियत को खल्क किया, उसकी सूरत बनाई और उसके नमूने के तौर पर इंसान अव्वल के तौर पर आदम को सामने रखा गया। तो इन आयतों से भी हमें इस बात का इशारा मिलता है कि जब आदम की बात हो रही है तो आदम यहां पर मकाम इंसानियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन, और जब खुदा ने कहा काला मा मनाका अल्ला तस्जुदा इद अमरतुक قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين। ये आयतें मैं पढ़ चुका आपके सामने। फिर उसके बाद हुक्म हुआ قال فاهبط منها कि यहां से उतर जाओ, उबूत यानी नीचे चले जाओ, गो डाउन, فما يكون لك ان تتكبر فيها فخرج انك من الصاغرين, कि इस मकाम से नीचे उतर जा, तेरे लिए जायज नहीं है कि तू इसमें तकब्बुर करे,
فخرج نکل جا انک من الصاغرین کہ تو بڑا بننے کی تلاش میں ہے حقیقتا تو پست اور چھوٹا ہے. قال انذرنی الی یوم یبعثون اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیں یوم مبعث کی یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کی. قال انک من المنذرین خدا کی طرف سے جواب آیا کہ بے شک تو مہلت دیے گئے ہوں میں سے ہے یعنی کہ تو وہ ہے کہ جس کو مہلت دے دی گئی. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم تو ابلیس نے اس کے جواب میں کہا خدا کی مہلت کے جواب میں کہا کہ جس طریقے سے تو نے مجھے اغوا کیا بے ہدف کیا لأقعدن میں قسم کھاتا ہوں کہ حتمن بیٹھوں گا لہم ان کے لیے صراطك المستقیم صراط مستقیم پر نہیں ہے انہیں اس کا ایگزیکٹ میننگ ہے تک. اور ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم اور پھر لازماً میں ان کے پاس آتا رہوں گا ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں طرف سے اور ان کے بائیں طرف سے. وَلَا تَجَدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور تو ان میں سے کثرت کو شکر گزار نہیں پائے گا. اچھا شیطان کے حوالے سے ابلیس جو شیطان بنا ایک بات میں مطلب ایک سوال کے طریقے سے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس پر ہم تھوڑا سا ڈسکس کر کے اس سے ایک انشاءاللہ مفید نتیجہ برآمد کریں گے. وہ یہ کہ جب ہم روح کی اور نفس کی بیماریوں ڈیزیزز آف دا سول کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور جتنے بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں معصیت ہوتی ہے اس سے خدا کی نافرمانی سرزد ہوتی ہے تو اس کی اصل وجہ اس کے نفس میں پائی جانے والی کوئی نہ کوئی بیماری اور خرابی ہے. یا جیسے قرآن کریم نے بار بار ایک جملہ استعمال کیا کہ فی قلوبہم مرضن ہم ابلیس کے حوالے سے کس امراض مرض یا امراض قلبی یا نفس کی بیماری کا تشخص کر سکتے ہیں تعین کر سکتے ہیں اس بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں کہ ابلیس کو کون سی روحانی یا نفسانی بیماریاں لاحق تھیں جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچا. جی یہ تو حضرت آپ نے پچھلی دفعہ بھی نہیں کہا تھا یعنی کہ وہ بیسیکلی جو شیطان تھا وہ آلریڈی اس میں صحیح طرح ایمان نہیں تھا تو اس لیے تکبر جی پہلے سے ہی اس کو پہلے سے ہی وہ جو ہے ایمان نہیں تھا اس کا. نہیں یہ نہیں کہا کہ ایمان نہیں تھا بلکہ اس کو تھوڑا سا اور اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ وہ ظاہری طور پر یقیناً مومن تھا لیکن اس کے اندر جسے ہم کہتے ہیں نا قلب مریض تھا نفس بیمار تھا. اچھا اور اس کا کفر پھر ایک موقع پر یعنی کہ بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ جس کے نفس میں بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ ان کا علاج نہیں کرتا ان روحانی امراض سے اپنا پیچھا نہیں چھڑاتا تو آزمائش کے وقت وہ خرابی ظاہر ہو کر اور اس کو کسی نہ کسی گڑے میں گرا دیتی ہے کسی نہ کسی نقصان سے دوچار کر دیتی ہے اور یہی ابلیس کے ساتھ ہوا. اور اسی وجہ سے ہم سب کو اس بارے میں بہت زیادہ متوجہ کرایا گیا ہے کہ اپنے نفس کی بیماریوں کا قلب کے روحانی امراض کا علاج جلد سے جلد کرو اور اس میں کوتاہی نہ کرو. تو اسے کون سا مرض لاحق تھا؟ غرور پسندی تکبر غرور. نہیں اصل میں اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سیکوینس ہے شاید میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اگر بتا چکا ہوں تو آپ یاد دلا دیجیے گا مجھے کہ سب سے پہلی بیماری ہوتی ہے ریاکاری. ذکر کیا تھا ہم نے بالکل کیا تھا ریاکاری. دوبارہ چلیے ریاکاری یعنی کہ انسان کے جو نفس کی خرابی ہے وہ شروع ہوتی ہے ریاکاری سے. ریاکاری کا مطلب ہے شو آف.
अगर आपको याद हो कि हमने सूरह हदीद की आयत नंबर 20 पढ़ी थी कि जिसमें हयात दुनिया की तारीफ बयान की गई है, तो लअबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फिल अक़वाल वल औक़ात, कि इंसान के लिए जो एक प्रॉब्लम है वो है जीनत, यानी अपने को बनाना, संवारना, सजाना, शो ऑफ करना, और इस बात का मुतमन्नी रहना कि लोग मुझे अच्छा कहें और अच्छा समझें, अपने आप को इस तरीके से लोगों के सामने पेश करना कि लोगों की तारीफ को हासिल कर सके, लोगों की एप्रिसिएशन को हासिल कर सके, ये रियाकारी। और रियाकारी के बाद अगर इस मर्ज का इलाज नहीं किया जाता तो ये मर्ज तब्दील हो जाता है खुद पसंदी या उजब में, कि अभी इंसान फकत दूसरों की तारीफ का मुतमन्नी नहीं है बल्कि खुद अपने अंदर कायल हो गया, उसके नफ्स के अंदर ये कैफियत पैदा हो गई कि मैं वाकई अच्छा हूं और लोगों को चाहिए कि मेरी तारीफ करें। अब ये मर्ज तरक्की कर गया, पहले यह था कि वो चाह रहा था, अपने को इस तरीके से पेश कर रहा था, चाहे जाहिरी एतबार से, चाहे इल्मी एतबार से, चाहे दीन के एतबार से, यानी कि रियाकारी की दसियों किस्में, सिर्फ रियाकारी अच्छा लिबास और अच्छे हुलिया बना के लोगों के सामने फिरना नहीं है कि लोगों की तारीफ हो, बल्कि अपने इल्म का इस तरीके से लोगों को सामने इजहार करना कि लोग कहें कितने आलिम है, अपनी इबादत का लोगों के सामने इस तरीके से इजहार करना कि लोग कहें कितने आबिद व जाहिद हैं, ये सब चीजें रियाकारी हैं। और इल्म और इबादत की रियाकारी जाहिरी रियाकारी से कहीं बदतर है। तो जब रियाकारी के मर्ज का इलाज नहीं होता तो इंसान के नफ्स में ये चीज पैदा हो जाती है कि मैं अच्छा हूं और लोगों को चाहिए कि मेरी तारीफ करें, ये खुद पसंदी है। ये खुद पसंदी आगे बढ़ के इस जगह तक पहुंच जाती है कि मैं इतना अच्छा हूं और लोग मेरे आगे हकीर हैं, यानी फकत मैं अच्छा नहीं हूं बल्कि लोग मुझसे पस्त और कमतर और हकीर हैं, ये तकब्बुर हो गई। तो ये इस शैतान के अंदर तकब्बुर का इजहार मिलता है कहां पे, कि खलक्तनी मिन नार व खलक्तहु मिन तीन, ये तकब्बुर है कि तूने मुझे आग से खल्क किया, मैं बाफजीलत हूं, लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं हुई, वो खलक्तहु मिन तीन, और उसको मिट्टी से खल्क किया जो मुझसे पस्तर है, ये तकब्बुर के अंदर दोनों चीजें पाई जाती हैं। अगर अपनी बड़ाई और बुजुर्गी का एहसास हो ये खुद पसंदी है, अगर ये एहसास मजीद जिसे कह लें तरक्की तो नहीं तनजुली होती है बुराई में, खराबी में, कि नीचे की तरफ जा रहा होता है इंसान, तरक्की यानी ऊपर होता है और तनजुली नीचे की तरफ, तो मजीद तनजुली अख्तियार करके अब ये खुद पसंदी क्या हो गई, तकब्बुर हो गई कि मैं फकत अच्छा नहीं हूं बल्कि दूसरे मुझसे कमतर हैं। अच्छा, अब इसके बाद का जो मरहला है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो शैतान की अल्टीमेट तबाही का सबब बना, और वो क्या कि ये जुमला फबेमा अगवैतनी लअक्उदन लहुम सिरातकल मुस्तकीम, और उस आगे की चीजें हैं, सूरह हिजर में भी हमने ये बात पढ़ी कि मैं लाजमन हतमन इनको अगवा करके जहन्नम में पहुंचाऊंगा, इबन आदम को, औलाद आदम को बेहदव बनाऊंगा, और बेहदव बनाने के होने के नतीजे में ये सब लोग जहन्नम का रास्ता लेंगे। इस बीमारी को क्या कहेंगे, ये तकब्बुर नहीं है, ये तकब्बुर की भी एक मजीद जिसे कहे तनजुल याफ्ता मजीद पस्त हालत है तकब्बुर की भी। इस बीमारी का क्या नाम है जी, इस बीमारी का नाम है हसद। हसद का मतलब यह होता है कि इंसान अपना भला हो या ना हो लेकिन दूसरे का बुरा हो जाए,
ये हसद है, ये तकबर से भी ज्यादा खतरनाक है। और इबलीस को शैतान को, यानी सही मानों में इबलीस को शैतान हसद ने बनाया। आदम से हसद की वजह से इबलीस शैतान बना, कि उसको अब इस बात में इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं तबाहाल हो जाऊंगा, मेरी सारी इबादत बर्बाद हो जाएंगी, मैं रांदा दरगाह हो गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन आदम को मैं तबाह करके छोड़ूंगा, इसकी नस्ल को तबाह करके छोड़ूंगा, ऐसे किसी हाल में मुझे बखैरियत नहीं रहने देना है नस्ल आदम को। ये बीमारी जिसमें इंसान इतना नीचे गिर जाता है, माजल्ला जिसको लाहक हो, कि मुझे कोई भलाई मिले या ना मिले दूसरा तबाह हो जाए, इस बीमारी का नाम है हसद। और ये एक इतनी खतरनाक कैफियत है कि हसद यानी आग, हदीसों में इसका जिक्र क्या है, हसद आग है। हसद इस तरीके से है, अगर खुदा ना खास्ता किसी नफ्स में ये बीमारी मौजूद हो तो इमाम ने फरमाया कि जिस तरीके से आग लकड़ी को खा जाती है, इस तरीके से हसद ईमान को खा जाता है, खत्म कर देता है। और कुरान करीम में शायद कोई नफ्स की ऐसी बीमारी ना हो जिससे के बारे में कहा गया कि पनाह मांगो, हसद के बारे में कहा गया कि वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद। ये कहा है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक में ना, कि आखिरी जुमला क्या है कि जब तुम अपने रब से पनाह मांग रहे हो तो पनाह किससे मांगो, वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, हासिद के शर से जब वो हसद करे। यानी ये आग है, बाकायदा आग है, रूहानी एतबार से हसद आग है। तो शैतान के वाकये में हमें एक बहुत अहम लेसन जो है वो रूह की बीमारियों के हवाले से भी मिलता है, कि मखलूकात यानी कि जो बाख्तियार मखलूकात हैं जिसमें इंसान और जन्नात शामिल हैं, उनके लिए ये जो नफ्स की बीमारियां हैं, कल्ब के अमराज हैं, वो किस तरीके से जहूर पजीर होते हैं और किस किस तरीके से इंसान को तबाही तक पहुंचाते हैं। तो शैतान और शैतनत के हवाले से जो हमें बात नजर आती है वो ये कि अल्टीमेट बीमारी, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ तरक्की करते करते, फिर मैं लफ्ज तरक्की इस्तेमाल कर रहा हूँ, तनजुली इख्तियार करते करते एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी बीमारी, यानी स्टेजेस और डिग्रेडेशंस जो इंसान के नफ्स में वाक़ होती चली जाती हैं, कि बात रियाकारी से शुरू होती है, फिर खुदपसंदी, फिर तकब्बुर, फिर हसद। और तकब्बुर हसद में क्यों कर तब्दील होता है, इस वजह से तब्दील होता है कि जब इंसान खुद अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना शुरू कर दे तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। अपने तई जो जिसको अपने आप को जिस किस्म का इंसान समझता रहे, जितना बड़ा समझता रहे, लेकिन अमली जिंदगी में यह मुमकिन नहीं है कि हर एक आपसे छोटा हो जाए या हर एक आपके आगे सर झुका दे। तो ये चीज फिर रफ्ता रफ्ता आग बनना शुरू होती है कि ये क्यों मेरे सामने नहीं झुकता, ये मुझसे बेहतर क्यों है, ये मुझसे अच्छा क्यों है। और फिर उसके बाद ये आग इस शक्ल को अख्तियार कर लेती है कि ये तबाह हो जाए, ये खत्म हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, इसके पास जितनी नेमतें हैं सब छिन जाए। तो इस एतबार से तकब्बुर हसद में तब्दील हो जाता है कि इंसान इस बात की तरफ तवज्जो छोड़ देता है कि मैं अच्छा हूं नहीं हूं, मेरी हालत तबाह हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन मेरा जो मुखालिफ है या जिससे मैं गजबनाक हूं वो तबाह हो जाए, ये हसद है। तो अल्टीमेटली शैतान को तबाह करने वाला मर्ज हसद है। अच्छा, ये एक बात। दूसरा एक बड़ा अहम सवाल, अच्छा इस आयत में एक चीज और भी है, ये भी सुन ले, ये भी बड़ा अच्छा नुक्ता है, कि जब शैतान ने कसम खाई इब्ने आदम को बहकाने की, तो एक है कि लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। इसका तर्जुमा बहुत सारी जगहों पर कर दिया जाता है कि मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठूंगा, जबकि ये बात कुरान करीम में वाज़े है कि शैतान सिरात मुस्तकीम पर नहीं पाया जाता।
बल्कि जो इंसान सिरात मुस्तकीम पर आ जाए तो सिरात मुस्तकीम पर खुदा हैं और रसूल हैं और खुदा के मुखलस बंदे हैं, वहां पर शैतान नहीं है। शैतान सिरात मुस्तकीम तक है, न कि सिरात मुस्तकीम पर है। एक ये बात, यानी कि शैतान जो है वो इंसान के सिरात मुस्तकीम पहुंचने तक उसकी ताक में लगा रहता है, उसके पीछे लगा रहता है कि जहां मौका मिले उसको शिकार करें, उसको अगवा करें, बेहदव बनाएं और खुदा की राह से हटा दें। लेकिन शैतान सिरात मुस्तकीम पर नहीं है। दूसरी बात कि उसने कहा कि मैं इनके सामने से, इनके पीछे से, इनके दाएं से और इनके बाएं से आऊंगा, जबकि सिमतें और डायरेक्शंस जो हैं वो बुनियादी तौर पर छह हैं, यानी ऊपर और नीचे। लेकिन ऊपर और नीचे वाली दो डायरेक्शंस के बारे में शैतान ने नहीं कहा कि मैं आऊंगा। तो इसको उलमा बाज़ औक़ात बहुत अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं कि इस चीज को बयान करते हैं कि अगर इंसान दुआ के लिए हाथ बुलंद करे या खुदा की बंदगी में सजदे में मिट्टी पर सर रख दे, तो ये दो मकामात ऐसे हैं कि जहां पे शैतान नहीं। यानी खुलूस के साथ खुदा की बारगाह में दुआ के लिए हाथ बुलंद करना और बंदगी के हालत से सरशार होकर जमीन पर मिट्टी पर सजदे में सर रख देना, यानी ऊपर और नीचे शैतानी डायरेक्शंस नहीं है। शैतानी डायरेक्शंस क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, सामने पीछे दाएं और बाएं, इन चारों तरफ से शैतान आएगा, हमलावर होगा और मतलब जमीन की चीजों को जीनत देकर, क्योंकि उसने यही कसम खाई थी कि जो कुछ जमीन पर है उसको जीनत देकर इब्ने आदम के सामने लाऊंगा और उसको इस रस्ते से बहकाऊंगा और अगवा करूंगा। तो ये भी एक अच्छा नुक्ता हमें यहां से समझ में आता है कि दुआ और सजदा, ये दो हालतें ऐसी हैं कि जिसमें इंसान शैतान की दस्तबर्द से, उसके हमलों से महफूज रहता है और अगर अपने नफ्स को पाक साफ करे तो खुदा से इन दो चीजों के जरिए से बेहतरीन अंदाज से कनेक्ट हो सकता है, राबता पैदा कर सकता है। अब सवाल, एक बहुत अहम सवाल, कि खुदा ने जब आदम को और आदमियत की तख्लीक की, इस सिलसिले इंसानियत को कायम किया, तो आदम के साथ और नस्ल आदम के साथ इस शैतान और शैतनत को क्यों लगा दिया? इसका क्या मतलब है, इसमें क्या हिकमत है? क्योंकि जाहिर है कि खुदा का काम क्या है, कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। तो इसमें क्या हिकमत है? मतलब शैतान की मौजूदगी में क्या हिकमत है? ये थोड़ा सा आप लोग अगर इस पर बात करें। इससे बेसिकली ये है कि एक इंसान के लिए एक टेस्ट भी है और आपका ईमान का टेस्ट है कि अगर ये शैतान नहीं होता तो हम सारे शायद कहीं, वो एक जो इंसान को अल्लाह ने खल्क किया तो वो हम कैसे, वो ईमान की उस पे जो है वो तो वो हो जाता। जो भी चीज इंसान को कर रहा है उसको सारी चीजें बुराइयां भी नजर आ रही, लेकिन अगर अच्छाई की तरफ जा रहा है तो अपने खुद से जा रहा है उस पे समझ के, शायद नजर आती है कि इख्तियार के साथ है अपने, जबकि बुराई को भी देख रहा है, हर चीज को देख रहा है, लेकिन अगर बुराई ना हो तो फिर हर चीज अच्छाई है, तो फिर उसमें इख्तियार नहीं होता, ऑटोमेटिकली उसी तरफ बढ़ता जाएगा जो चीजें की मौजूद है। और जी, और हो सकता है कि यानी कि एक शैतानत की वजह से इंसान रूहानियत की तरफ ज्यादा मजबूती से बढ़ सकता है या पुख्तगी के साथ बढ़ सकता है, ऑपोजिट फोर्स का। यानी जी, इस पर हमने बात की थी पहले या बिल्कुल ही नहीं की थी? नहीं, शैतान के हवाले से। जी, अभी तक तो मैंने शैतान की शैतान के अच्छा अहदाफ की तरफ हमने थोड़ा सा टच किया था, यानी कि किस तरह
जी यानी बुनियादी तौर से क्योंकि आदम को यानी कि जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया पहले के आदम को खुदा ने इल्म अस्माए कुल का हामिल बनने की सलाहियत और अहलियत अता की, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि आदम वो मखलूक है कि जो इल्म अस्माए कुल का हामिल हो सकता है और ये मकाम अगर आदम वहां तक पहुंच जाए इंसान इस मर्तबे और मंजिलत को हासिल कर ले तो उस वक्त वो तमाम फरिश्तों से ऊपर चला जाता है, फरिश्तों से बालातर हो जाता है और फरिश्ते फिर उसे सजदा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस निजाम के अंदर हम इस चीज को अपनी लाइफ में भी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव अचीवमेंट बगैर एक नेगेटिव चीज के, नेगेटिव का मतलब है कि जिसकी पोलैरिटी दूसरी हो, अपोजिट हो, उसकी मौजूदगी के बगैर वो चीज हासिल नहीं हो सकती। यानी कि जैसे हम अब मैं मेरे लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करने मुनासिब नहीं है जो इंजीनियर्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जैसे इंजन जब चल रहा होता है ये इंजन को चलाने के लिए आपको हॉट और कोल्ड दोनों बॉडीज चाहिए होती हैं। दूसरी मिसाल आप लोग शायद ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या सिर्फ पॉजिटिव पोटेंशियल से वर्क करता है? नहीं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोटेंशियल्स का मौजूद होना लाजमी है तभी करंट फ्लो करता है सर्किट में। अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल को काट दें या वो तार काट दें जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रही है सर्किट को, तो सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम मिसाल के तौर पर कमान की मिसाल ले लें, बंदूक की मिसाल ले लें कि आपको अगर किसी चीज को ज्यादा दूर फेंकना होता है, तीर को ज्यादा दूर फेंकना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ता है? पीछे खींचना, तीर को उतना ज्यादा पीछे की तरफ खींचना पड़ता है तब वो उतना आगे की तरफ जाता है। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल वाला जो हिसाब है और या यूं कह लें कि जिस तरफ आगे बढ़ना है उसके मुखालिफ सिमत की मौजूदगी, ये इस जिंदगी में हर जगह पे पाई जाती है। इसी तरीके से आपको अगर मिसाल के तौर पर अपने जिस्म को ताकतवर बनाना है, अपनी मसल्स को पावरफुल बनाना है, उसका तरीका वाहिद तरीका क्या है? क्या मसल्स जो हैं वो फकत खा पी के ताकतवर होती हैं? यानी एक इंसान फकत खाता रहे पीता रहे और उसका जिस्म ताकतवर हो जाएगा? नहीं, नहीं। जब तक इंसान अपने जिस्म पर बोझ ना डाले रेजिस्टेंस के मुखालिफत में वर्क ना करे, यानी एक रेजिस्टेंस है, ये जो आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, ये बेसिकली क्या है? ये रेजिस्टेंस है, रुकावट मुजाहिमत है। और जब हमारी मसल्स एक रेजिस्टेंस के बरखिलाफ काम करती हैं तो वो स्ट्रांग होती हैं। ऐसे ही है ना? बिल्कुल है, इसमें कोई इश्काल तो नहीं है इस बात में? ठीक है। तो शैतान दर हकीकत वो रेजिस्टेंस है, वो नेगेटिव पोटेंशियल है कि जो आदम को उसके कमाल तक पहुंचाने का सबब बनता है। अगर ये रेजिस्टेंस इस जहान में ना क्रिएट किए, यानी मिसाल के तौर पर कि आपके लिए नमाज में वसवसा नहीं होता तो नमाज के अंदर तवज्जो और नमाज के अंदर मारिफत और वो सारी चीजें भी उस तरीके से डेवलप नहीं हो सकती थी। यानी बुनियादी तौर पर वसवसा पैदा होता है और इंसान उस वसवसे को काबू करना चाहता है तो वो नमाज में ज्यादा फोकस करता है, ज्यादा कंसंट्रेट करता है, उसकी तवज्जो बढ़ती है।
इसी तरीके से जब हम रोजे की बात करते हैं, रोजा एक वही रेजिस्टेंस के मुखालिफत है, लेकिन रोजे में जो अर्ज और टेम्पटेशन है कि गर्मी हो रही है पानी पी लूं, भूख लग रही है उसको किसी तरीके से काबू कर लूं, इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जब हम काम कर रहे होते हैं तब हमको क्या चीज नसीब होती है कि वो जो रूह की हमारी ताकत है और तकवा है और वो सिफत इंसान को हासिल हो रही होती है। तो बेसिकली शैतान और शैतानत को रखने का मकसद यही है कि जो ये सारी चीजें हमको नजर आती हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रुकावट है, इसके वसवसा और इसका शर। और एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि शैतान को खुदा ने कोई ऐसी ताकत नहीं दी है कि वो इंसान से काम जबरदस्ती करवा ले, बल्कि शैतान को सिर्फ एक चीज दी गई है, वसवसा, कि वो एक वसवसे को क्रिएट करता है इंसान के जहन में और उसको टेम्पटेशन दिलाता है, उसको अट्रैक्ट करता है एक गलत चीज की तरफ या खुदा की नाफरमानी की तरफ। जब इंसान शैतान की इस पेशकश को, दावतनामे को कबूल कर लेता है तो फिर शैतान इंसान के नफ्स में घुस जाता है, और अगर उस वक्त भी इंसान उस शैतानी असर को अपने नफ्स से दूर ना करे और काफी अरसे तक, जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शैतान को अपने अंदर अंडे बच्चे देने और पालने का मौका फराहम कर दे, तब शैतान और शैतानी असरात इंसान की तमाम फैकल्टीज पर, उसकी समाअत और बफारत और फुआत पे कब्जा कर लेते हैं और फिर उसको अपने मर्जी से दौड़ाते फिरते हैं, और ये अगवा शुदा इंसान है, फिर ये बेहदफ इंसान है, फिर ये तबाहाल इंसान है, फिर इसके बचने की और वापस आने की उम्मीद तकरीबन खत्म हो जाती है। तो शैतान एक रियल थ्रेट है, इंसान की तबाही और इंसान की खराबी के लिए एक बहुत खतरनाक इम्कान मौजूद है शैतानत की सूरत में, लेकिन यही शैतानत इंसान को तरक्की करने और बुलंद होने और अपने असल कमाल तक पहुंचने का सबब और वसीला भी फराहम करती है। दूसरी एक बात, ये गहरी बात है जरा जो मैं आप कहना चाह रहा हूं, वो ये कि खुदा ने इंसान को खल्क फरमाया ताकि अपने असरार से, अपने राजों से आगाह कर सके, जैसे कहें अपना महरम असरार बना सके। ये लफ्ज समझ में आ रहा है? यानी कि आप ये चाहते हैं कि एक ऐसा हो, यानी हम अपनी मिसाल अगर दें कि हमारा कोई ऐसा दोस्त हो जिससे मैं अपनी सीक्रेट्स को शेयर कर सकूं, क्या आप हर एक हर इवन हर दोस्त से आप ये काम नहीं करते? यानी आपके बहुत मखसूस दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं जिनसे आप अपने सीक्रेट्स को शेयर करते हैं, अपने राजों को उन्हें बताते हैं। खुदा ने इंसान को खल्क किया है ताकि अपनी खिलकत के और अस्माओ सिफात के राज और असरार इस इंसान को अता कर सके, और यही खलीफा का मतलब है कि जो शुरू में हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था। यानी खलीफा का मतलब है वो मखलूक जो खुदा के अस्माओ सिफात को रिफ्लेक्ट करे कामिल मारिफत के साथ, ये खलीफा का। और खुदा ने इंसान को चाहा है कि वो ऐसी मखलूक बने। अब एक सवाल है आपसे कि आप जिस दोस्त को, जिस रिश्तेदार को अपने राजों में शरीक करना चाहते हैं उसको इंतहाई टेस्ट करने के बाद शरीक करेंगे या यूं ही कर लेंगे फकत दोस्ती के नाम पर? क्या करेंगे? और टेस्ट भी इंतहा के लेवल का है ना? बिल्कुल। यानी अगर हम बेवकूफ नहीं है तो हम किसी को अपना महरम राज बनाने से पहले उसको बहुत अच्छे तरीके से ठोंक बजा के आजमाएंगे, यानी मामूली तरीके से नहीं आजमाएंगे। इसी वजह से जिस मखलूक को खुदा ने खलीफा अपने खिलाफत के मर्तबे तक पहुंचाने के लिए खल्क फरमाया है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा ये सब चीजें ऐसे ही अता कर देगा? उस आजमाइश का वसीला शैतान,
कि शैतान की तरफ से टेम्पटेशंस हों, अट्रैक्शंस हों, इंसान का नफ्स शैतान के दावत नामे की तरफ मुतवज्जे हो रहा हो, लेकिन इंसान खुदा की बंदगी की बुनियाद पर, खुदा से ताल्लुक की बुनियाद पर इन तमाम चीजों से अपने आप को काबू में रखे। या जैसा कि दूसरा इसका पहलू है कि जब शैतानी और तागूती कुव्वतें इंसान के लिए जिंदगी को खराब करें, इंसान पर जिंदगी को तंग करें, उस वक्त इंसान अपनी जात के फायदे को, अपने मजों को, अपनी लज्जतों को पीछे हटाकर फकत और फकत खुदा की मर्जी को सामने रखे। जो इस मरहले से गुजर जाएगा, यानी कि वो जो तालूत का वाकया मैंने आपसे सुनाया था, कि जो इसमें से चखे भी नहीं, यानी ये सब कुछ चीजें कि जो इंसान को खुदा से दूर करती हैं, वो लज्जतें कि जो इंसान को शैतान के दाम में फंसा सकती हैं, जो इसमें से चखे भी नहीं, वो खुदा का है और खिलाफत इलाहिया के मर्तबे का है। ये गहरी बात है कि क्यों खुदा ने इतनी शिद्दत से आजमाया, क्यों खुदा ने इतने ऐसे इस तरीके से आजमाया कि जिसमें इंसान के पास जिस्म है और शैतान वो तमाम की तमाम चीजें सजा बना के लाता है जो जिस्म के लिए अट्रैक्टिव होती हैं, या उन चीजों के जरिए से इंसान को डराता है कि जो जिस्म के लिए तकलीफ दे होती हैं। इन दोनों किस्म के मसाइल से अपने आप को बचाते हुए फकत और फकत खुदा का बनकर रहना, ये इंसानियत का असल इम्तिहान है, असल कामयाबी है। और जो लोग इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर लेते हैं वो खिलाफत इलाहिया के मकाम के अहल होते हैं, और ये खुदा का इंसानियत को खल्क करने का असल मकसद है कि इस निजाम इंसानियत में से इस मेयार के अफराद पैदा हों और खुदा उनको मुंतखब करे और मुस्तफा और मुजतबा करे, और अपने जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा कि वफ्तनअतुका लिनफ्सी, के मैंने तुझको अपने नफ्स के लिए बनाया। ये असल मकसद है। तो ये शैतान और शैतानत इस वजह से भी यहां पर इस निजाम हयात में, इस डोमेन में पाई जाती है कि ताकि इस बात का भी तायुन हो, इंसानियत के मेयार, इंसानों के मेयार में फर्क पैदा हो सके, और इस बात का तायुन हो सके कि खिलाफत इलाहिया के मनसब का अहल कौन सा शख्स है। और इस चीज को बयान भी किया गया सूरह बकरा में आयत 269 में कि शैतान के बारे में कि शैतान यअदुकुम अलफक्र व यअमुरुकुम बिलफहशा, कि शैतान जो है वो दो तरीकों से तुम्हारे पास आता है। एक क्या है, यअदुकुम अलफक्र, तुमको डराता है फकीरी से। ये वो चीज है जैसे मैंने कहा कि शैतानत का वो पहलू कि जो उन चीजों के जरिए से इंसान को डराता है जो जिस्म के लिए तकलीफ दें, फकर, फकीरी के। ये अगर मिसाल के तौर पर तुमने सदकात किए, अगर मिसाल के तौर पर तुमने खुदा के दीन की बात की, अगर मिसाल के तौर पर खुदा ने तुमने खुदा के फरमाबरदारी के रास्ते को अख्तियार किया, तो ये लोगों के उससे महरूम हो जाओगे, फकीर हो जाओगे, मोहताज हो जाओगे, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, लोग तवज्जो नहीं करेंगे, सोशली बेकार हो जाओगे, रांदा दरगाह हो जाओगे, एंड सो ऑन। यअदुकुम अलफक्र, डराता है फक्र से। वो यअमुरुकुम बिलफहशा, यहाँ पर अमर का हुक्म आया, अमर यानी हुक्म करता है फहशा का। क्यों? इसलिए कि जो चीजें फहशा हैं वो जिस्म के लिए अट्रैक्टिव है। तो जब जिस्म के लिए वो चीजें अट्रैक्टिव हैं तो वहां पर शैतान को पुश करना आसान है। तो वहां पर लफ्ज अमर आया, हुक्म आया, गोया वहां पे तुमको धक्का दे के आगे ले जाने की कोशिश करता है कि जाओ जाओ और इसमें जाके, फौशा में जाके घुस जाओ, इसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लो, इसको अपनी जिंदगी का वतीरा और तरीका बना लो। ये दो काम है शैतान के। तो ये दोनों हकीकतन खुदा की तरफ से आने वाली या खुदा की तरफ से मौजूद आजमाइशात हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसमें खुदा की मर्जी नहीं है, खुदा की तरफ से मौजूद आजमाइशात हैं कि जो इस बात का तायुन करती हैं कि खलीफा खुदा कौन है। वो मकाम कि जो
خلافت الہیہ کا منصب ہے, اس منصب پر کون فائز ہے, کون فائز ہو سکتا ہے, یہ حقیقی مقصد و مطلب ہے. یہاں دیکھیے ایک چیز اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان یہ کام کرتا اور کراتا ہے, بلکہ یہ سارے انسان کے اپنے مسائل ہیں, انسان کی اپنی خرابی ہے, اور خدا کا اذن اس میں شامل ہے کہ جو انسان اپنے ایمان پر محنت نہ کرے, جو انسان اپنے نفس کی خرابیوں اور امراض کو دور کرنے کی طرف متوجہ نہ ہو, وہ شیطان کی ولایت میں چلا جائے گا الٹیمیٹلی. سورہ یونس کی دو آیتیں 99 اور 100, ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا, اور اگر چاہتا, اگر مشیت ہوتی تیرے رب کی, لآمن تو ایمان لے آتے, لازمن ایمان لے آتے, من فی الارض کلهم جميعا, جتنے بھی ارض پر زمین پر موجود ہیں سب کے سب باجماعت, تمام انسان, یعنی یہ جھگڑے ہی ختم ہو جاتا کہ ایمان مومن اور کافر اور مشرک کا, اگر تیرے رب کی مشیت ہوتی تو یہ سب کے سب ایمان لے آتے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ خدا نے یہ نہیں چاہا ہے کہ لوگ بائی ڈیفالٹ یا بائی فورس ایمان لائیں, بلکہ خدا نے کیا چاہا ہے, جملہ مکمل کیجئے, کہ لوگ کیسے ایمان لائیں, اختیار اور معرفت کے ساتھ, معرفت کے ساتھ, ٹھیک ہے, زبردستی نہیں. جی جی بالکل, یعنی کہ یہ خدا کی مرضی ہی نہیں ہے, بائی ڈیفالٹ کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا, یعنی کہ لوگ پیدا مومن ہو, کہ پیدائشی طور پہ مومن ہو جائیں اور ان کے لیے ان کے ایمان میں کوئی مسئلہ یا رکاوٹ ہی ایمان پر محنت کی ضرورت نہ درپیش ہو, یا بائی فورس مومن ہو جائیں, نہیں, یہ دونوں چیزیں خدا کو قبول نہیں. تو پھر کیا ہے, افانت, اب یہاں خطاب پیغمبر اکرم سے, کیونکہ پیغمبر اکرم کے لیے کیا ہے, یعنی آپ کے وجود مقدس کی حالت کیا تھی کہ لوگوں کی بے ایمانی اور ان کی خرابی کو دیکھ کر کڑھ رہے ہوتے تھے, دل میں اذیت محسوس کرتے تھے, بہت رنجیدہ اور غمگین ہوتے تھے لوگوں کی اس حالت کو دیکھ کر. تو خدا ان کو سمجھا رہا ہے, افانت, کیا پس تو تکرہ الناس, جبر کرو گے انسانوں پر, کراہیت کرو گے, یہ وہی جملہ ہے لا اکراہ فی الدین سے جو ملتا ہے, پس کیا تو تکرہ الناس, کراہیت جبر کرو گے, با اکراہ انسانوں کو مومن بناؤ گے, حتی انسانوں پر جبر کرتے رہو گے, حتی یکونو مؤمنین, یہاں تک کہ وہ مؤمنین ہو جائیں, نہیں, یعنی کہ یہ پیغمبر اکرم کے قلب مقدس کی کیفیت ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ مومن ہو جائیں, کیوں نہیں, خدا کہہ رہا ہے جبر کرو گے, اکراہ کرو گے انسانوں پر یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں. وما کان لنفسن, اور کسی بھی نفس کے لیے, یا پھر دیکھیے لفظ نفس ہے, ایمان کون لا رہا ہے, ایمان اور کفر کے تعلق کس چیز سے, بتائیے, نفس, نفس ہے انسان سے, ٹھیک ہے, روح نہیں ہے. وما کان لنفس, اور نہیں ہے کسی بھی نفس کے لیے, ان تؤمن, کہ وہ ایمان لے آئے, الا باذن اللہ, مگر اذن خدا کے بغیر, یعنی خدا کی اجازت, خدا کے اذن کے بغیر کوئی نفس ایمان نہیں لاتا. اذن کا لفظ قرآن کریم میں جہاں جہاں پر آیا ہے, یہ بہت خاص بات ہے, اذن کا لفظ قرآن کریم میں جہاں آیا ہے وہاں پر یہ تاثر دیتا ہے کہ اس میں خدا اور بندے دونوں کی انوالومنٹ ہے. شاء اور مشیت کا لفظ جہاں پر آیا ہے وہ فقط مرضی خدا ہے, اس میں بندے کی انوالومنٹ نہیں, لیکن بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جس میں خدا کی مرضی کب آتی ہے, کب آتی ہے, جب بندے کی مرضی ہو, جب بندے کی طرف سے اقدام ہو, جب بندے کی بھی مرضی ہو, ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں جو آیتیں سنائی تھی سورہ بنی اسرائیل کی 20, 21, 22, بالکل. تو وما کان لنفس, کسی نفس کے لیے یہ نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, ان تؤمن, کہ وہ مؤمن ہو جائے, الا باذن اللہ, مگر اذن خدا سے.
तो इज़्ज़ने खुदा कब आएगा? जब बंदा आगे बढ़ेगा, बंदे की तरफ से इख्तिताम होगा। और अगले आखिरी टुकड़ा बहुत खतरनाक है, وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ اور وہ قرار دیتا ہے یعنی خدا وہ قرار دیتا ہے رجس یعنی نجاست عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر لا يعقلون جو عقل استعمال نہیں کرتے جو عاقل نہیں ہوتے رجس اور نجاست خدا ان کے لیے قرار دیتا ہے ان پر ڈال دیتا ہے کن لوگوں پر ڈال دیتا ہے جو عقل نہیں پکڑتے عاقل نہیں ہوتے عقل مند نہیں ہوتے کون لوگ عقل مند ہوتے نہیں اس کی تعریف شاید میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتائی تھی عقل کی تعریف کیا ہے تفکر نہیں تفکر الگ چیز ہے تعقل الگ چیز ہے علم حاصل کرنے کے بعد ایک شے کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد اس کی الٹی طرف عملاً چلے جاتے ہیں تو یہ جہالت ہے جی یہ جہالت ہے اور جہل عقل کے مقابلے میں یعنی جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے وہ عاقل ہے اور جو ایک چیز کا علم رکھنے کے بعد اس کی الٹی طرف چلا جاتا ہے وہ جاہل ہے تو جیسے آغا جوادی عملی نے فرمایا کہ جہالت علماء کی صفت ہے جہالت حقیقتاً علماء کی صفت ہے یعنی ایک انسان نے علم حاصل کیا کسی بھی درجے پہ علم حاصل کیا کوئی علم کامل کی بات نہیں ہو رہی ایک بات کا علم علم کا مطلب کہ ایک شے کی حقیقت اس پہ کھل گئی یہ عالم ہو گیا اس حقیقت کے کھلنے کے بعد عملاً جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کی الٹی طرف جا رہے ہیں یہ ہے جہل اور جو لوگ عقل مند نہیں ہیں یعنی اس جہالت کے شکار ہیں ان کے ساتھ خدا کا سلوک کیا ہے کیا سلوک ہے بتائیے آیت کیا کہہ رہی ہے اس پر نجاست ڈال دیتا ہے خدا یہ نجاست وہ شیطانت ہے نجاست شیطانت ہے جی جی یہ نجاست کیا ہے یعنی وہی شیطان گھس جاتا ہے اس کے نفس میں شیطان کی ولایت میں چلا جاتا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ خدا کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے یہ اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہے یہ شیطان انڈیپینڈنٹلی کوئی کام کر رہا ہے پہلے انسان کی مرضی اپنی اس کے بعد خدا جی یعنی کہ کسی بھی انسان کا معاذ اللہ ولایت شیطان میں چلا جانا یا شیطان کا اس پر مسلط ہو کر اس کے وجود کو نجس کر دینا یہ کیا ہے یہ خدا کے اذن سے ہے اور کس وجہ سے ہے کہ اس شخص نے ایک حقیقت کو جانا دیکھیں خدا اس وقت تک صبر کرتا ہے کہ جب تک انسان عالم نہیں ہو جاتا یعنی جب تک کوئی قوم یا ایک انسان ابھی عالم یعنی عالم کا مطلب ہے کہ ایک حقیقت تک نہیں پہنچے حقیقت کو نہیں سمجھ رہے اس وقت تک خدا صبر کرتا ہے ان کی غلطیوں پر سزا نہیں دیتا لیکن عالم ہو جانے کے بعد دوسرے رستے کو اختیار کرنا کہ جو تمہارا علم جو چیز تمہیں بتا رہا ہے اس کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے پھر خدا اس کو شیطنت کی گندگی میں ڈال دیتا ہے کہ جاؤ تم اس قابل نہیں ہو کہ اب تم انسانیت کے مقام پر باقی رہو یا انسانیت کی راہ میں تم کو آگے بڑھایا جائے اب تم اس قابل نہیں ہو تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے یعنی کہ اس میں دیکھیں ایک بات اور بھی ہے اور یہ بھی ایک ایسا کنسیپٹ ہے کہ جو لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ شیطان خدا کے نظام کا حصہ ہے نہ کہ خدا کے نظام سے انڈیپینڈنٹ یا اس کے مقابلے میں کھڑی ہونے والی کسی طاقت کا نام ہے اری بات سمجھ میں جی بالکل وہ مخلوق ہے خدا ہی ہے نا وہ بھی ہاں لیکن اس نظام کا حصہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں خدا نہ خواستہ کہ شیطان کوئی اپنا پیرلل سسٹم چلا رہا ہے خدا کے ایسا نہیں حیدر بھائی ایک چیز خالی یہاں پہ آپ نے کہا جیسے کہ اگر کسی کی حقیقت چیز کا معلوم ہو جائے اور اس کے بعد وہ اس پہ عمل نہ کرے تو اس پہ خدا نجاست
पता चलता। वो जाहिल है, वो शख्स जाहिल है। अब ये इल्म हुआ आज किसी चीज का, उस पर अमल नहीं किया, फिर ये तो एक महलावार चीज हो गई ना। जैसे मिसाल के तौर पे हमें एक चीज की हकीकत है कि झूठ बोलना गलत है, जी उसके बावजूद हम झूठ बोल रहे हैं तो खुदा उसके आप निजासत में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। मकरो फरेब करना गलत है लेकिन आप उसके बावजूद कर रहे हैं, यानी कि ये आपको अच्छे तरीके से पता है, आपके ऊपर ये हकीकत रोशन है कि ये गलत है। तो इसमें ये ऐसा नहीं है कि इस बारे में आप डिस इन्फॉर्म्ड हैं या अनक्लियर हैं, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर अगर एक दफा निजासत में खुदा ने डाल दिया, बिलफर्ज करें कि हम अपने देखें, तो उसके फिर वापसी का तरीका वही है। मुश्किल तर होती जाती है, यानी कि जितना ज्यादा इंसान टाइम खराब करता है गंदगी में, उतना ज्यादा उससे निकलना दुश्वार होता चला जाता है। मैंने इसलिए बोला कि बात चीजों को बहुत छोटा लेते हैं, जैसे कि इतना इतने बड़े मायने में लेते हैं हम, तो सिर्फ कत्ल और उसी को सिंपल समझते हैं कि बहुत बड़ा कोई गुनाह है। जी लेकिन जी इससे मुराद मैं था कि झूठ भी बोला जाए तो फिर बस हकीकत से आशना उसकी, लेकिन हम बोल रहे हैं तो अब खुदा की निजासत आनी ही आनी है। हाँ, तो वो है ना, हमारी नजरों के सामने देख लें सब चीजें, तो हम मुशाहिदा कर सकते हैं। जी 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 मैं सिर्फ उसको समझने के, बहुत शुक्रिया। यानी मिसाल के तौर पर ये वेस्टर्न सोसाइटी, इन्हें पता है कि शराब और बदकारी गलत चीज है, ये ऐसे नहीं कि इन्हें पता नहीं है, लेकिन ये उस तरफ चले जा रहे हैं। देखें क्या हाल होता है फिर इसकी वजह से। हमें ये बात पता है कि ये झूठ और मुनाफिकत और धोखा देना बिल्कुल गलत चीज है, लेकिन हम कर रहे हैं, किसी भी नाम से कर रहे हैं। देखें क्या हशर बनता है फिर उसके बाद। और उसके पैरेलल अगर कोई चीज है, इंसान बेहतर भी कर रहा है जैसे कुछ, तो उसमें से जी आपकी रहमत भी आती रहेगी साथ साथ, जी तो वो बिल्कुल साथ बिल्कुल साथ बिल्कुल यानी ये पैरेलल चल सकती है दोनों चीजें, निजासत भी साथ आ रही है, रहमत भी साथ चल रही ये है। मुश्किल है, ये फॉरएवर नहीं चल सकती, लेकिन कुछ लम्हे तक ये हो सकता है कि कुछ जाहिर है कि इंसानों के अंदर चीजें मिक्स होती हैं, लेकिन ये कि रफ्ता रफ्ता बल्कि इन द एंड इंसान एक तरफ हो जाएगा। दस्तगैर की किताब में पढ़ा था मैंने, कहा कि इंसान कभी भी एक जगह पे नहीं खड़ा रह सकता, या तो इंसान ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है हाँ, तो लेकिन अल्टीमेटली उसका फैसला हो जाएगा कि वो किस जगह पर। अल्टीमेट नहीं, बिल्कुल बहुत शुक्रिया जी। अब आप लोग कोई अगर बात करना चाहें इस पे, जैसे आपने ये आखिर में कहा कि अगर कोई आदमी वसवसा डालता है शैतान, अब आप हट जाते हैं अपनी राह से, तो अगर आप फिर अकल इस्तेमाल करें तो उसका मतलब ये है कि जो आयत की भी है उससे क्या आप वापस आ सकते हैं ट्रैक पे, ये उसका ये मतलब होगा। जी बिल्कुल, अगर अकल वाली राह को इख्तियार करेंगे तो वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन आपने कहा, लेकिन मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ कि इस रस्ते में जितना वक्त जाया होता है वो बहुत डैमेजिंग होता है, और यही वजह है हम लोगों के साथ के, यानी जिसे कहते हैं ना मलकूत के पर्दे ना खुलना, या फरिश्तों की आवाजें ना सुनना, या इस किस्म की चीजें ही इसी वजह से हैं कि हम लोगों ने अपने दिलों को इतना स्याह कर लिया है कि नूरानी चीजों की वजह की तरफ से हमारे मतलब बहुत हद तक ब्लॉक्स बन चुके हैं। जी आपने दुआ का कहा, जैसे दुआ इसमें जो अब इंसान है वो बीच में दुआ करे तो परवरदिगार उसको, लेकिन दुआ के बारे में हमें सही तौर पे सही पता नहीं, क्योंकि दुआ का जैसे खुदा बोलता है कि मैं तुम्हारी दुआ जरूर सुनता हूँ, लेकिन अब बताया ऐसा लगता है नजर नहीं आता कि ऐसा होता है जब हम दुआ करते हैं, ऐसा लगता है कि कोई भी सुन नहीं रहा। तो दुआ के बारे में आपका भी ने कहा था, शायद आपने कहीं पर समझाया था कि दुआ क्या चीज होती है। जी सवाल में फर्क है, हम कर सर सवाल और दुआ मुख्तलिफ चीजें, वो हमने तो नहीं सुना वो लेक्चर आपका, शायद आपने आफ्ताब भाई वगैरह में सुनाया था, कभी आपको मौका तो हमें जरूर बताइएगा कि दुआ। जी इंशाल्लाह, वो थोड़ी तफसीली बात है लेकिन बताऊंगा बिल्कुल। आपने हैदर भाई, ये जैसे बोले, जैसे इंसान के जहन में कोई अच्छा ख्याल आ रहा होता है लेकिन फिर एक बुरा ख्याल भी आ जाता है, तो शैतान को ये कैसे अंदाजा हो जाता है कि हम ये अच्छी बात सोच रहे थे, मैं इसको अब इसके दिल में वसवसा डालूं, उसका मतलब है वो भी हमारे दिलों में बैठा हुआ है क्या? जी अच्छा जी जी ऐसे ही बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह अगली दफा ये सूरतुल आराफ में की ही आयतों से पढ़ के सुनाऊंगा, उससे अंदाजा हो जाएगा। अच्छा बिकॉज़ ठीक है,
उसी से ये पता लगता है कि उसकी पावर्स काफी ज्यादा है, जैसे उसकी पावर्स हकीकतन कुछ भी नहीं है, उसके पास सिरे से कोई पावर ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वो जी शैतान को खुदा ने कोई पावर नहीं दी है, बल्कि शैतान के पास सिर्फ ये है कि एक प्रेजेंस है और वसवसा डालने की सलाहियत, वसवसा डालना है बस और कुछ भी नहीं है, पावर सारी हमारी यूज होती है। यानी जैसे आप आज की दुनिया में भी देखें कि जो जितने भी शैतान है उनके पास कौन सी पावर है, इसलिए अगर आप कब जी जी वो जितनी भी हक की ताकत है, मिसाल के तौर पर कि अगर ये जितने भी आज मिसाइल हैं और मतलब जितने भी वॉरशिप्स और वेपनरी है, ये सारी हक की ताकत है, लेकिन बस इन शैतानों ने उस पर कब्जा करके लोगों के दिमागों को उस वसवसे में मुब्तला कर दिया है कि वो अपने आप को शैतानों के हाथ में, नहीं जैसे मिसाल के तौर पर ये इराक और अफगानिस्तान की वॉर है, क्या है सिर्फ एक मिसगाइडिंग और एक वसवसा ही था ना, बिल्कुल। तो पावर सिर्फ हक के पास ही होती है, पावर नहीं है बातिल के पास कोई, वमा युद्दी उल बातिल वमा युईद, लेकिन ये शैतान क्या करता है कि ये हक की ही पावर यूज करता है लोगों को कंफ्यूज करके वसवसे में डाल के, इसके पास अपनी कोई पावर नहीं, तो खुदा ने कोई ताकत नहीं दी जी जी। और प्रैक्टिकली ये जब इंसान को अंदाजा होता है कि वसवसा है तो फिर वो भाग जाता है, आई थिंक इस तरह से होता है जी शैतान, यानी कि अगर हम मुतवज्जे हों, इसीलिए देखें खुदा ने अकल का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, अकल कि इंसान अगर आगाह हो, उसकी अकल बेदार हो और वो जो कुछ जान चुका है, समझ चुका है, उसके नफ्स में वो बीमारी ना हो कि उसके अगेंस्ट जा रहा हो, तो फिर शैतान कुछ भी नहीं कर सकता उसे। जो आपने एक चीज बताई थी कि शैतान जो है वो सिर्फ सिराते मुस्तकीम तक है जी, सिराते मुस्तकीम के ऊपर नहीं जी, तो उसके मतलब क्या मुराद है, मतलब जो हम तमाम जितनी हमारी नफसानी बीमारियां हैं जब तक हम इसको खत्म नहीं कर देंगे, जब तक हम सिराते मुस्तकीम पे नहीं, मैंने आपसे कहा था ना कि सिराते मुस्तकीम मुखलसीन का मकाम है, और सिरात और सबील का शायद फर्क भी आप लोगों को समझाया था जी। तो उसमें कि जब तक इंसान सुबुल में है उस वक्त तक शैतान उस पर हमलावर हो सकता है, लेकिन जब वो सिरात पर आ गया और सिरात मुखलसीन का रास्ता है, और मुखलसीन के हवाले से जो पिछली दफा मैंने आपको आयतें पढ़ के सुनाई थी सूरह हिजर की, कि उसमें उसने खुद ही कह दिया कि सबको अगवा करूंगा इल्ला इबादका इबादकल मुखलसीन या इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, तो मुखलस बंदे जो हैं वो शैतान के उससे बाहर है, यूं कह लेंगे शैतान खुद माजूर है कि मुखलस बंदों को वसवसों में डाल सके, और मुखलस बंदों का रास्ता सिराते मुस्तकीम है, तो सिराते मुस्तकीम पर शैतान नहीं है, यानी जो एक दफा मुखलस बंदों की बारगाह में चला गया या उस सफ में शामिल हो गया, उस राह पर आ गया, उसके लिए फिर शैतान नहीं है, शैतान और शैतानत नहीं, वो गेट पे बैठा है बेसिकली, गेट के बाहर, हाँ गेट तक है, सिरात के दरवाजे तक है, कह लें सिरात की एंट्रेंस तक है, न कि सिरात पर है। हैदर भाई, एक इंसान का जो सफर है वो शुरू मतलब कहाँ से हुआ है, ये जो आज सबील कह रहे हैं इन रस्तों से शुरू, हाँ अगर इंसान मुतवज्जे है तो इंसान सुबुल में हरकत करता है पहले, फिर सबीलों से गुजरता हुआ सिरात तक पहुंचता है, यानी कि पहले उसके अंदर ईमान होता है, लेकिन जो अभी हम बात कह रहे हैं कि ईमान के साथ खराबियां भी हैं, कुफ्र शिर्क भी है, अमराज भी हैं, अब वो रफ्ता रफ्ता अपने ईमान को कवी करता जाता है, कुफ्र शिर्क के असरात को खत्म करता जाता है, इन द एंड अगर बंदा मुखलिस हो गया सिरात पे आ गया, शैतान खत्म हो गया उसके लिए, फिर उसके बाद उसके हरकत की वजह जो है वो खुदा की मोहब्बत है और जाज़बा है सिफात इलाहिया का, फिर वो उस वजह से हरकत कर रहा होता है, तो उस मकाम पे हैदर भाई कि उसकी नफ्स से जंग खत्म हो जाती है कि नफ्स की जंग जारी रहती है,
खत्म, नफ्स ताहिर हो गया, खालिस हो गया, खुदा की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ये आयमा मासूमीन जितनी भी हस्तियां हैं इनकी नफ्स से जंग नहीं है। नहीं, किस बात की जंग होगी, लेकिन खुदा के बढ़ने का सिलसिला तो बंद नहीं होता ना भाई। आप जी खुदा के बढ़ने का सिलसिला तो बंद नहीं होता, वो तो इंसान, वही तो कह रहा हूँ कि वो सफर जो है वो जज्ब कुव्वत जाज़बा के जरिए से जारी रहता है, उसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है ना कि खुदा की। मैंने आपको वही मिसाल तो दी थी मैग्नेट वाली जी, कि वो फिर एक वो जाज़बा है उस हकीकत मुतलका का कि जो इंसान को ऊपर की तरफ मुसलसल बुलंद कर रहा होता है, अट्रैक्शन है खुदा की जिसकी वजह से तरक्की हो रही होती है। बिल्कुल, इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो कैसे मुमकिन है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान बहका सके एक इस मंदिर पर पहुंच के। नहीं तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये वो चीज ही नहीं है जो हम जिस तरीके से समझ रहे हैं। जी जी वो इंसानियत, आदम को नहीं बहकाया, मकाम इंसानियत के पोटेंशियल को खुदा ने दिखाया कि ये इंसान एक तरफ इसमें ये सलाहियत है कि ये इल्म अस्माए कुल का हामिल हो जाए और इस मकसद के लिए मैंने इसको खल किया, ये चीज। दूसरी तरफ इस इंसान में जिस्मानियात की वजह से ये पोटेंशियल भी मौजूद है कि ये शैतान के वसवसों का शिकार होकर जन्नत से निकल जाए। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हसनैन, सॉरी हैदर भाई, हैदर भाई नहीं, मीर भाई है। जी जी हैदर भाई नहीं है, मैं भी कनेक्ट करता हूँ उनको। अरे आपको आवाज आ रही है? जी हेलो, जी आवाज आ रही है। अगर हम कोई सवाल करने तो सवाल करें। बेसिकली अगर आज आपने बताया कि जो शैतान का भी जो है वो सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है बेसिकली। हाँ, इन्हें खुदा का निजाम है, उस खुदा के निजाम के अंदर एक पॉजिटिव पोटेंशियल है वो नबी है, और हर स्क्रिप्ट का नेगेटिव पोटेंशियल है वो शैतान है, और सही मानों में जो इंसानियत का करंट फ्लो करता है वो इन पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल्स की वजह से ही करता है, यानी शैतानी वसाविस की टेम्पटेशन और नबी की दावत, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल मिलके इंसानियत के अंदर हरकत पैदा करती हैं। आपने एक चीज अभी बताई जवाद आमली साहब की, असल में जो भी जहालत है वो आलिम के हवाले से ही है, तो यानी जो इंसान जी जहालत जहल उलमा की सिफत है, उसके अपोजिट हो गई ना आलिम की, उसमें एक आलिम हुआ उसकी अपोजिट साइड, यानी आलिम है, आलिम वो होता है कि जिस पर एक शय की हकीकत खुल जाए। जी, तो हर वो शख्स जिसमें भी जिस शय की चाहे कितनी छोटी हो वो खुल जाए तो वो आलिम है, वो उस चीज का आलिम है, वो उस चीज का आलिम है बस। लेकिन आलिम होने के बाद फिर अमल की बात बारी आती है। जी जी बिल्कुल, और अमल के मरहले में इंसान या जाहिल होता है या आकिल होता है या अकलमंद होता है, सही है ना, कि जब वो चीज आती है कि वो अब उस पर अमल करे, उस रास्ते पर चले, उसको अडॉप्ट करे, सिर्फ प्योरली अमल भी नहीं होता लेकिन अमल में भी, क्योंकि अब ये बहस थोड़ी सी और ज्यादा दकीक हो जाती है कि आपके अंदर भी जो हरकत है ना वो भी एक अमल है, यानी हम सिर्फ अमल समझते हैं अपनी बॉडी को हिलाने जुलाने को, लेकिन जब इंसान की सोच और फिक्र है और उसका नजरिया है वो भी एक अमल की हैसियत रखता है। तो इंसान अपने नजरियाती तौर पर अपने अमली यानी जाहिरी अमल के तौर चला जाए तो वो जाहिल है, और हकीकतन जाहिल वही है। तो ये जहल और अकल का आपस में कंपैरिजन है, और खुदा ये कह रहे हैं कि जो लोग आकिल नहीं होते
उन पर हम निजासत को डाल देते हैं। हैदराबाद क्या ये मुमकिन है जैसे कि इंसान के अंदर नफसानी बीमारियां होती हैं जो हमारे अंदर भी मौजूद हैं नफ्स की बीमारियां कि उनसे खुद खुद से निकला जा सके, मतलब खुद से निकलने से मुराद ये कि बगैर किसी की गाइडेंस के या किसी आलिम इखलाक का जो इखलाक को जानते हो उसका होना जरूरी है, क्योंकि हम कभी कभार खुद ये फील करते हैं कि हम किसी बुरी सिफत को खत्म करना चाह रहे होते हैं लेकिन उसकी वजह से किसी और चीजें फंस जाते हैं जाकर। हाँ सही है, ये बात सही है। ऐसी कोई विलायत कहते हैं कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ ना कि तरक्की हमेशा विलायत के जरिए से होती है, यानी कि जब कोई ऊपर वाला हाथ पकड़ ले ऊपर उठा ले तभी सही मानों में इंसान ऊपर उठता है, और ये चीज नबी और इमाम और उनके शागिर्दों के जरिए से मुमकिन होती है। तो फिर हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हम ऐसे किसी शख्स हाँ इसीलिए कहा गया है कि इंसान की जिंदगी में जो मुहिम तरीन काम है वो किसी वली खुदा या आरिफ बिल्ला को ढूंढना और तलाश करना, क्योंकि अगर ऐसे किसी इंसान से कनेक्ट हो गए आप तो आपकी सारी मुश्किलात ही खत्म हो जाती हैं। वो किस तरह से अदर जाहिर है कि वो उसे पता है, उसे रास्ते का पता है, और जो वाकयन आरिफ और आलिम और आलम रब्बानी होता है वो इंसानों के नफूस पर असरअंदाज हो सकता है। वो फिर उसी मिसाल को याद रखे ना जो मैंने मैग्नेट वाली आपको दी थी, वही वो की है वो मिसाल समझने के लिए। वो सूरह हम्द वाले जो मिसाल है अनमता अलैहिम, अनमता अलैहिम भी है, फिर मैंने उसको ज्यादा टेंजिबल बनाने के लिए मकनातीस की मिसाल दी थी ना, मैग्नेटिक फील्ड और वो सारी चीजें। तो वो यही है कि जब आलम रब्बानी और आरिफ इलाही इंसान को मैस, इसीलिए कहते हैं कि अगर ऐसे किसी शख्स की तलाश में तुम्हारी आधी जिंदगी सर्फ हो जाए और तुम्हारे मतलब पैर जख्मी हो जाए तो भी कोई बुरा सौदा नहीं है, क्योंकि ऐसे इंसान की सोहबत बुराक का काम करती है, इक्सीर का काम करती है, कि हम अपनी सारी जिंदगी रगड़ रगड़ कर नहीं पहुंच सकते वहां पर वहां तक जो उस शख्स की एक घंटे की सोहबत पहुंचा देती है या उसके साथ जो कनेक्शन और ताल्लुक है वो पहुंचा देता है। तो ये निजाम विलायत है, और इसी वजह से खुदा से हमेशा जिस चीज की दुआ करते रहना चाहिए उनमें अहम तरीन चीज यही है कि खुदा अपने महबूब बंदों की सोहबत तक हमें पहुंचा और जो उनका नूर है उससे फैजियाब हमें कर, और खुदा ना खास्ता कि हमारे दिल में वो तारीकियां ना हो, वो पर्दे ना हो कि हम किसी वली खुदा की सोहबत हमें मिले भी और फिर हम उससे फायदा ना उठा सकें। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि हम लोग जिस मेयार पर हैं वहां हमारा अपना हाथ पैर मारना कोई खास फायदा देने वाला नहीं है, इसलिए कि हमने अपना काम जितना खराब किया हुआ है वो उसमें कोई अच्छा इतनी करामत नहीं हो पाती हमारे लिए। इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? जाहिर है कि मैंने आपसे कहा दुआ करें और ऐसे अफराद, और फिर ये भी है कि खुद कुरान, कुरान एक विलायत के लिए बेहतरीन जरिया है, खुद नूर कुरानी, आइम्मा अलैहिस्सलाम की दुआएं और मुनाजात, ये दो चीजें तो हमारे हाथ में है ही। बिल्कुल, और बाकी खुदा से दुआ और तलब करना, और खुदा हकीकतन निजाम विलायत से हमारा राबता करा दे, हमें रिश्ते को कायम कर दे। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में हम ये चीज देखिए कि यहाँ से काफी सारे जो बच्चे हैं क्योंकि ये लोग आसानी से जा सकते हैं ईरान वगैरह जी, ये फिर इन जगहों पर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं जी, कि वहां पर इस तरह के अफराद का मिलना यहाँ के मुकाबले में शायद ज्यादा आसान है। लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, खुदा इन चीजों का कोई मोहताज नहीं है ईरान और किस जगह का। हाँ फर्क पड़ता है यकीनन, लेकिन ईरान में भी वो सारे मसाइल मौजूद हैं, दूसरी नौयत से हैं लेकिन वहां भी।
हमेशा ये क्राइटेरिया नहीं बनता, बल्कि असल चीज वही है, इखलास खुदा की बारगाह में, इखलास, सच्चाई, दयानतदारी, जितना इंसान के अख्तियार में है उस हद तक नेकी करना, अमल करना, ये सब चीजें क्राइटेरिया बनती हैं। ठीक, बिल्कुल। चलें फिर, ठीक है, इंशाल्लाह अगली दफा। बहुत शुक्रिया। अब ये बातचीत जितनी हुई है, अगर आप लोग चाहें तो इस पर सवालात लिख के अगली दफा हम उस पर बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल। लास्ट लेक्चर में आपने एक चीज कही थी कि आप शायद अगले लेक्चर में बताएंगे, आप बताएंगे कि फिर फरिश्तों ने वो चीज नहीं मांगी, खुदा क्यों नहीं मांगी खुदा से कि हमें भी उस मुकाम दे, वो भी हमें भी अता कर। जब मैंने बताया तो था, मैंने कहा था ना अहलियत का मसला है, अहलियत है ये, कैपेबिलिटी नहीं है। वरना तो अगर जैसे हमारे यहाँ अक्सर मजालिस में बात की जाती है कि पंजतन के नाम थे अस्मा से मुराद, तो पंजतन के नाम अगर कभी खुफिया भी रखे गए हों, चले मान लिया खुफिया ही थे, किसी को नहीं पता था, और खुदा ने खास तौर से आदम को बता दिए, तो अगर आदम ने फिर फरिश्तों के सामने वो नाम बोले तो फरिश्तों को नहीं पता चल गया? बिल्कुल। तो दोनों बराबर नहीं हो गए फिर? और अगर बराबर हो गए आदम और मलाइका, तो फरिश्तों ने, फरिश्ते पर सजदा करने को क्यों आमादा हो गए? सजदे का मतलब है कि फजीलत तस्लीम कर रहे हैं, तभी तो सजदा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी उससे भी ज्यादा अहम बात कि आयत क्या कह रही है, अम्बेहुम बे अस्माएहिम, ए आदम फरिश्तों को उनके अपने अस्मा की खबर दो, अपने अस्मा की। और अस्मा से मुराद जो हकीकत बयान की जाती है, इसका मतलब है कि मलाइका खुद अपनी हकीकत से उतने बाखबर नहीं है कि जितना तालीम इलाही के बाद आदम मलाइका की हकीकत से बाखबर है। ये नहीं कि अस्मा की खबर दो या फला अस्मा की खबर दो, अम्बेहुम बे अस्माएहिम, इनके अस्मा की, यानी कि जैसे आज की जिंदगी में आप देखें कि जिस लाइफ में हम मौजूद हैं, यहाँ पर एनिमल्स भी हैं, यहाँ पर प्लांट्स भी हैं, यहाँ पर रॉक्स और बज़ाहिर गैर जानदार चीजें भी हैं, इनकी हकीकत को ये खुद ज्यादा बेहतर समझते हैं कि इंसान ज्यादा बेहतर समझता है? इंसान। फिर ये क्वालिटी है आदम की, ये क्वालिटी उसकी है कि जिसके पास इल्म असमा होते हैं। जो असमा का आलिम है वो चीजों की हकीकत को खुद उनसे ज्यादा बेहतर जानता है। बिल्कुल। समझ रहे हैं? तो वो चीज तो कहीं से फिट होती नहीं है, वो बात जो जिस तरीके से हमारे यहाँ बयान कर दी जाती है, क्योंकि ना आयत के जाहिर से ये मतलब निकल रहा है, ना इन्फेरेंस से ये मतलब निकल रहा है कि अगर वो चंद नाम होते, फकत नाम होते, तो जब आदम ने बता दिए या आदम ने बोल दिया, मलाइका को भी पता चल गया, सजदा करने का जवाब नहीं बनता, क्योंकि सजदा हमेशा बाफजीलत को किया जाता है, इक्वल लेवल वाले को कभी सजदा नहीं किया जाता। और दूसरा ये कि खुदा कह रहा है कि इनके असमा की इनको